देखिए भल्ला जी क्या लगे हैं करने अपने एयर फिल्टर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्नोफॉल हुआ है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज हम आए थे जो लोडी पास की तरफ, तो दिखाते हैं आज आपको यहाँ की वादियाँ और हल्की हल्की बर्फबारी भी यहाँ पे लग चुकी है। तो फिलहाल अभी हम हैं जलोड़ी पास टॉप पर, ये सामने मंदिर है और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, आप लोग देख सकते हैं जलोड़ी पास। हल्का हल्का स्नोफॉल भी यहाँ पर लग चुका है। और ये देखिए भल्ला जी क्या लगे हैं करने अपने एयर फिल्टर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्नोफॉल हुआ है। रोड्स क्लियर है लेकिन बर्फ काफ़ी है अभी भी यहाँ पे। आप देख सकते हैं हल्के हल्के शीशे पे भी बर्फ पड़ी हुई है। जलोड़ी के पास तो बहुत सारे बाइकर्स भी थे। बर्फ भल्ला जी बर्फ। आगे मेरी एस्कॉर्ट चलिए। तो काफ़ी सालों के बाद हम लोग जलोड़ी पास की तरफ आए थे। तो हल्का हल्का मौसम यहाँ पे ख़राब है और बिल्कुल हल्की हल्की बर्फबारी भी यहाँ पे लग चुकी है। नीचे में भी मौसम ठीक ही होगा लेकिन अभी हम थोड़ा अपर हाइट पे हैं तो यहाँ पे स्नोफॉल लगा हुआ है। तो बस अब हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं सोजा विलेज, जो भी बंजार से पहले है। तो ये जो आप सारा एरिया देख रहे हैं ये है सोजा, इससे आगे आएगा जीबी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हल्की हल्की बर्फबारी पड़ रही है और यहाँ पर बहुत से कॉटेजेस रिजॉर्ट्स सब कुछ अवेलेबल है रहने के लिए। टूरिस्ट अभी भी काफ़ी है यहाँ पर और कुछ ऐसी यहाँ पर रोड कंडीशन है, आप ऑलरेडी देख ही पा रहे हैं। रोड्स बीच बीच में ठीक हैं, बीच बीच में हल्के फुल्के ख़राब भी हैं, फिर भी अच्छे रोड्स हैं। और यहाँ से अगला जो हमारा प्लेस आएगा वो आएगा जीबी, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर होगा। तो अगला जो हमारा स्टेशन है वो होने वाला है जीबी। दिखाते हैं आपको जीबी का हल्का सा व्यू। तो ये देखिए ये अब हम पहुंच चुके हैं जीबी और यहाँ के ये कुछ लोगों के घर होंगे, कुछ कॉटेजेस हैं रहने के लिए टूरिस्ट्स के लिए।
और आगे से आ गई है बस। और यहाँ पर रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, आप देख रहे हैं, बड़ा उबड़ खाबड़ रोड है। तो ये जो आप वादियाँ देख रहे हैं ये हैं जीबी की, और ये देखिए घर कैसा अजीब सा घर बनाया है, स्लेट्स का घर है। और बंजार मार्केट में लग चुका है जाम, सिंगर रोड है। बस अभी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे और टनल होगा 4-5 किलोमीटर लार्जी डैम। तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये है लार्जी डैम पर, बस अब हम इसको क्रॉस करते ही पहुंचेंगे और टनल के पास। तो अब हम पहुंच चुके हैं और टनल के पास, ये राइट साइड पे जो रोड जा रहा है ये जा रहा है कुल्लू की तरफ, और टनल है आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुकी है, और ये है न्यू फोर लेन टुवर्ड्स पंडो डैम। और आज देखेंगे हम पंडो डैम की जो लास्ट बरसात में जो कैंची मोड़ थे वो टूट चुके थे, तो इस बार देखते हैं अभी वो खुल गए हैं या नहीं, या जो उन्होंने बाईपास रोड निकाला है कि हम उससे जाएंगे, वहीं पे जाके पता लगेगा। पिछली बरसात में वैसे काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए हैं और रोड की कंडीशन भी बीच बीच में बुरी है। ये सारा न्यूली कंस्ट्रक्टेड फोर लेन है, ऊपर जो आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर, और अब ये आगे टनल्स का काम लगा हुआ है इसलिए ये ओपन नहीं किया है। और जब हम टुवर्ड्स कुल्लू जाएंगे तो हम जाते हैं टनल के बीचों बीच। ये हम एंटर कर रहे हैं टनल नंबर 12, बैक टू बैक ये दो टनल्स हैं। और ये है नोगी ब्रिज, अब तो उसके साथ नया पुल भी बन चुका है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, लास्ट बरसात में यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था, ये सारा जो मलबा सामने आप देख रहे हैं ये पूरा रोड के ऊपर आ गया था और ट्रैफिक अपनी अपनी साइड रुक गया था। देखिए आप पिछली बरसात के हाल।
तो ये जो आप टनल्स देख पा रहे हैं ये है पंडोर से जब हम कुल्लू की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले ये टनल्स आएंगी, लेकिन अभी इन टनल्स का काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, लगा हुआ है। जैसे हम आगे हुए ना, जो इसका रियर व्यू मिरर है उस पर लाइट आ गई थी। तो पंडोह कैंची वाला रोड खुल चुका है, काम वो पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इन्होंने वन वे किया हुआ है। हम जाएंगे जो पुराना वाला हाईवे है जो टूट चुका था, और सामने जो आप देख रहे हैं गाड़ी निकली, ये है बाईपास। तो ये था वो छोटा सा पैच जो लास्ट बरसात में टूट गया था, जिस कारण रोड भी बंद हो गया था। तो अब ये इतने महीनों के बाद जाकर बन पाया है। और ये जो आप डैम देख रहे हैं ये है पंडोह डैम, बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन पानी है। तो ये 6 मील के पास लग गया है काम, और लगा है बहुत लंबा ट्रैफिक जैम। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है दोनों तरफ। सामने लगी है जेसीबी, काम पूरा लगा हुआ है जोरों शोरों पर। तो 15-20 मिनट वेट करने के बाद हमारा ट्रैफिक जैम खुल चुका है, हल्की हल्की गाड़ियाँ लगी हैं मूव होने। और आप देख रहे हैं दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत लंबा ट्रैफिक जैम है लगा हुआ। तो ये 3-4 पॉइंट्स है पंडोह और मंडी के बीच में, जहाँ पर ये लैंडस्लाइड्स आप लोगों ने देखा अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं। और ये देखिए सब पहाड़ अभी इन्हें प्लेन करने हैं ताकि रोड अच्छे से निकल पाए। तो मंडी क्रॉस करते करते दोबारा लग चुका है हमें ट्रैफिक जैम। अरे देखिए यहाँ पे भी हमें काफ़ी देर हो गई है जाम में फंसे हुए। बिल्कुल आराम आराम से हमारा ट्रैफिक है जो मूव कर रहा है। और यहाँ पर हो गया तगड़ा एक्सीडेंट, इसलिए हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। आप देख पा रहे होंगे ये फोर्ड एंडेवर एक्सीडेंट हुआ है। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं घर और करेंगे
रेस्ट, आज कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ट्रैवल हो गया है। तो मिलते हैं अब आपसे नए ब्लॉग में, तब तक आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।